हाय भिरोन, गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे यूडीड आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। पूरे भारत देश में गवर्नमेंट की ओर से एक यूडीड आईडी कार्ड बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दोस्तों, अगर हम इस कार्ड को बना लेते हैं तो हमें सरकार की ओर से काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपने यूडीड आईडी कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहां आने के बाद हम लोगों को एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है। आप गूगल ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो दोस्तों, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग यहां से गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही गूगल के ब्राउज़र को ओपन किया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब हम लोगों को सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना है UDID। तो जैसे ही UDID को टाइप कर दिया है दोस्तों, अब हम लोग सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जा रहा है। अब हम लोगों को यहां से जहां सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहां पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे इसको क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जा रहा है। अब हम लोगों को यहाँ से एक पॉपअप दिखाई देगा दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। जैसे इस पॉपअप को यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं, तो अब हम लोग नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, और जहाँ पर आप लोगों को थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले इस कार्ड की क्या क्या बेनिफिट होने वाली है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए जहाँ पर कार्ड बेनिफिट लिखा हुआ दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, अब हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ कार्ड बेनिफिट लिखा हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअली यहाँ पर इंग्लिश के लैंग्वेज से लिखा हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसको हिंदी कर लेते हैं। अब हिंदी करने के लिए सबसे नीचे जहाँ पर हिंदी दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ हिंदी पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों का ऑलरेडी अब हिंदी में ट्रांसलेट होना शुरू हो गया है। अब हम लोग सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है कार्ड लाभ, यानी इस कार्ड से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाली है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग एक नंबर में यहाँ देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों का जैसे एक नंबर में लिखा हुआ है कि विकलांग व्यक्तियों को दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाए रखने एवं कई दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कार्ड में सभी आवश्यक विवरण शामिल होंगे जिन्हें एक रीडर की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी किसी भी विकलांग व्यक्ति को अगर कोई गवर्नमेंट की ओर से मदद मिलता है दोस्तों, तो उसको काफ़ी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ता है। अगर हम इस आईडी को बना लेते हैं दोस्तों, तो हमें किसी भी आईडी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यानी एक तरफ से कहा जाए तो अनेक कार्डों के बदले एक कार्ड। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखा हुआ है UDID कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए विकलांगों की पहचान सत्यापन एवं एकल दस्तावेज होगा, यानी सब कार्डों के बदले एक कार्ड ही हमारे लिए काफ़ी होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट ऑप्शन में भी लिखा हुआ है UDID कार्ड कार्यान्वयन के पदानुक्रम के सभी स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थी की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगा। यानी इसको हर स्तर से मान्यता प्राप्त है दोस्तों, आप जिला स्तर से बोलिए, ग्राम स्तर, राज्य स्तर, यानी हर स्तर में इसका मान्यता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हम लोगों का रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों को रजिस्टर करने के लिए जहां पर रजिस्टर लिखा हुआ दोस्तों, यहां पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है।
जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जा रहा है। अब हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए चार स्टेप को पूरा करना पड़ता है दोस्तों, यानी चारों स्टेप को फिल करना पड़ता है। जैसे यहाँ एक नंबर में देख सकते हैं दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर डिसेबिलिटी डिटेल्स, यानी आप किस तरह से विकलांग हैं। तीसरे नंबर पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी आप क्या काम करते हैं। चौथे नंबर पर आइडेंटिटी डिटेल्स, यानी आपकी आईडी प्रूफ भी यहां पर अपलोड करनी होती है। तो अब हम लोग नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या फिल करना पड़ता है। जैसे यहां पर फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, और हिंदी में भी टाइप करना पड़ेगा दोस्तों, और इंग्लिश में भी। इसके बाद हम लोगों का फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यदि आप लोगों का है दोस्तों तो आप लोग फिल कर सकते हैं, या फिर आप फिल नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को कैटेगरी भी यहां पर सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों, और सब सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहां जितना भी हम लोगों का ऑप्शन है दोस्तों, हम लोग यहाँ सभी को फिल कर लेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, सभी को यहाँ पर फिल करना पड़ता है। और इसके बाद परमानेंट एड्रेस में यदि आपका सेम है दोस्तों, तो इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक यहां पर फिल हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, अब यहां एजुकेशन डिटेल्स, यानी आपकी पढ़ाई कितनी तक है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सब प्रक्रिया करने के बाद जहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब हम लोगों का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ से एक अलॉटमेंट नंबर दिया जाएगा दोस्तों, इसे हम लोगों को किसी कॉपी या डायरी में लिख करके रख लेना है। अब हम लोग होम स्क्रीन पर फिर से वापस आ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग यहां पर नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग को यहां पर क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है। तो आप लोग सबसे ऊपर में यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यानी अभी जो आप रजिस्टर किए हैं वो आईडी आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यू डी कार्ड, यानी आप जो कार्ड अभी रजिस्टर किया दोस्तों, यहां से आप लोग डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप लोग रजिस्टर करते समय किसी कारण से गलती हो गया हो दोस्तों कोई ऑप्शन में, तो आप लोग फिर से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहां पर लिखा हुआ दोस्तों अपडेट पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ से आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यूडिट कार्ड को बना सकते हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट की सारे बेनिफिट को भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।